ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ये इंडिया क्या इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, लेकिन बहुत क्लोजली इसके साथ जो है काम करता है। किस मामले में काम करता है ओईसीडी के साथ इंडिया? ओईसीडी के साथ इंडिया किस मामले में काम करता है? एनी आइडिया? कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जिसका सेक्रेटेरिएट ये होस्ट करता है? एनी एनी दैट यू गाइस नो ऑफ? एफएटीएफ याद आया? एफएटीएफ के बारे में याद आया आपको, है ना? एफएटीएफ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में। और ओईसीडी कहाँ पर है? ओईसीडी का कहाँ पर है ऑफिस? इट इज इन पेरिस अगेन, पेरिस फ्रांस, है ना? तो यहां पर जो है ये इसका काम क्या होता था? ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1947। देखिए इसका जो हिस्ट्री है कि आफ्टर द वॉर, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आपका यूरोप था दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। बीच में आपका बर्लिन था और इधर आपका यूएसएसआर था और यहाँ पर आपका यूएसए था, मतलब यूरोप, यूरोप वाला वेस्टर्न वर्ल्ड था। यूरोप मान लो लेड बाय यूएस। तो यूएसएसआर का थ्रेट आ रहा था कि मैं पूरा यूरोप को कब्जा लूं। अब यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसमें कितने भी कंट्रीज आ सकते हैं उसके अंदर, है कि नहीं? एस्टोनिया जब आ गया, लिथुएनिया आ गया, आपका लाटविया आ गया, आपका जॉर्जिया आ गया, ये सारी कंट्रीज है। तो वो क्या यूएसएसआर कह रहा था कि मैं पूरे यूरोप पे कब्जा कर लूं। तो वहां पर एक इमरजेंसी बनी दैट द यूएसए हैड टू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पैसा डालना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या करना पड़ा? पैसा डालना पड़ा। दे हैड टू पुट द मनी। और वो किस फॉर्म में आया? वो मार्शल प्लान के फॉर्म में आया। दैट नाउ, अब अगर नहीं बनाता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? अगर वापस से जर्मनी, फ्रांस, जिन जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, जिनका इकोनॉमी कोलैप्स कर गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डीके हो गया था, उनके लिए क्या हुआ था? उनके लिए एक मार्शल प्लान आया। अगर नहीं लाता तो यूएसएसआर जो है पुअर्टी का फायदा उठा के और इंस्टिगेट कर देता वायलेंस को, एंड द टैंक्स वुड हैव रोल्ड इन। सो आप समझ रहे हैं व्हाट वॉज द नीड फॉर दिस मार्शल प्लान? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस, याद होगा आपको, इसको हमने डिस्कस भी किया था वर्ल्ड वॉर, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ओके, मेंबरशिप एंड एक्सपेंशन। सो इट बिगैन विथ यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइंड बाई कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1960। जापान ने भी ज्वाइन किया इसको 1964 में। करेंटली इट हैज 35 मेंबर्स वर्ल्ड वाइड और सेवरल नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ये काम करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। नॉन मेंबर कंट्री है हम जाते नहीं, वाई? बिकॉज इट इज सीन एज अ यूएस कैंप। इंडिया जो है थोड़ा नॉन अलाइंड रहने का कोशिश करता है, एंड इट इज सीन एज अ यूएस कैप। ओके, नोटेबल फॉर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द नेशनल वेल्थ ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, इंक्लूडिंग ट्रिपलिंग द यूएस जीडीपी पर कैपिटा सिंस इट्स इंसेप्शन। तो इसने क्या किया है कि बहुत ज्यादा हेल्प किया है नेशनल वेल्थ को अपने मेंबर कंट्री के इंक्रीज करने में। आपने देखा जापान में क्या हुआ, आपने देखा जर्मनी का कैसे रिवाइवल हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का कैसे रिवाइवल हुआ। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का भी रिवाइवल हुआ था, आपको पता है ना, 1929 में दे हैड द स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से उतने लेवल पे नहीं जा पा रहा था। ओके, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं। सो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो किया था। ओके, तो हुआ क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स वॉन्टेड मार्केट्स। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू दे हैड बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। उन्होंने क्या किया था, अपने जितने भी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी उसको डबल ट्रिपल कर लिया था फ्रॉम द प्री वॉर टाइम्स। यू नो दे वेर बिल्डिंग सो मेनी प्लेन्स, दे वेर बिल्डिंग सो मेनी बॉम्ब्स, दे वेर बिल्डिंग आर्टिलरी शेल्स जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ था दैट दे वॉन्टेड कि जिसमें बॉम्ब्स और ये सारी चीजें बिल्ड कर रहे थे, जिस केस में बॉम्ब्स और ये सारी चीजें बिल्ड कर रहे थे, उसी फैक्ट्री में हम जो है अब दूसरी चीजें बिल्ड करें, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, एंड दे वांटेड एन ओपन वर्ल्ड। व्हाई डिड दे वांटेड इट टू कॉलोनाइज? व्हाई डिड दे वांटेड द वर्ल्ड टू हैव अ फ्री मार्केट? ताकि यूएस प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बन पाए,
यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बन पाए, तो ये ओईसीडी जो है उसमें हेल्प कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स को। इमर्जिंग इकोनॉमीज, सो इनकॉर्पोरेट्स मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड फॉर्मर सोवियत ब्लॉक कंट्रीज हु अकाउंट फॉर द 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ओईसीडी क्या करता है, ओईसीडी जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ, जैसे इंडिया, चाइना, फॉर्मर सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जो है उनके साथ ट्रेड करता है, उसके उनके साथ पॉलिसी में जो है ट्राई करता है सिमिलैरिटी आए ताकि बोथ साइड्स कैन ट्रेड। ओके, इंडिया हैज इनहैंस्ड इंगेजमेंट सिंस 2007, 2007 से इंडिया का इनहैंस्ड इंगेजमेंट है विथ पोटेंशियल फ्यूचर मेंबरशिप। इंडिया ने ओईसीडी का स्टील कमिटी ज्वाइन किया था 1998 में। इंडिया ने क्या किया था, ओईसीडी का स्टील कमिटी ज्वाइन किया था 1998 में। ओके, इंडिया इज एक्टिव इन 21 ओईसीडी बॉडी एज एन एसोसिएट और पार्टिसिपेंट, एसोसिएट मेंबर या पार्टिसिपेंट है, एंड 9 ओईसीडी लीगल इंस्ट्रूमेंट को अधेयर करता है, मतलब उसको मानता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, रीजनल एक्टिविटीज, फिस्कल मैटर, न्यूक्लियर एनर्जी में ये काम करता है, बट ये फुल मेंबर नहीं है। ओके, प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज नॉट ए फुल मेंबर, बट इंगेजमेंट उसका काफी ज्यादा है। यहां पर जो है इंडिया को क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, इट इन्वॉल्व्स अ थरो असेसमेंट टू मीट ओईसीडी स्टैंडर्ड्स इन वेरियस पॉलिसी एरिया। अब इंडिया जो है अपना पॉलिसी खुद बनाता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहकावे में आके अपना पॉलिसी बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं करना चाहता, इसीलिए जो है कॉम्प्लेक्स है, और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ओईसीडी में हम ना भी जा पाए, बट दैट इज फाइन बिकॉज वी हैव इनहेंस्ड एंगेजमेंट। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या इंडिया मेंबर है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ओईसीडी यू नो वेयर इट इज, ये एफएटीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एफएटीएफ होस्ट करता है, सॉरी एफएटीएफ इज होस्टेड बाय ओईसीडी इन इट्स सेक्रेटेरिएट, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो ऑल द फैक्चुअल थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, और मेंस में क्या पूछ सकता है कि किस तरीके का इंडिया का डायनेमिक है, इंडिया का किस तरीके का डायनेमिक है विथ ओईसीडी। ओके, फिर आपको जो है 10 या 15 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, मैंने बता दिया था ना ओईसीडी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर, पेरिस में, फ्रांस में, क्लियर है। और वहीं पर एफएटीएफ भी, आपका फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो भी वहीं पर काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। तो पहले गैट था, बहुत सालों तक डब्ल्यूटीओ का नाम क्या था, गैट था, ठीक है। उरुग्वे राउंड हम देखते हैं, सो दिस पीरियड मार्क्ड सिग्निफिकेंट नेगोशिएशंस लीडिंग टू द डब्ल्यूटीओस फॉर्मेशन। इसमें क्या था, आपको सिग्निफिकेंट नेगोशिएशन देखने को मिले थे जिससे डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हमें मिला। इट एक्सपैंडेड मल्टीलैटरल रूल्स ऑन गुड्स एंड इंट्रोड्यूस रूल्स फॉर एग्रीकल्चर, दैट वॉज एओए, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर आपको याद होगा हमने बात की थी अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, एम्बर बॉक्स, एक्स वाई जेड, ये ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स है ना, सब्सिडीज के बारे में, सर्विसेज, सर्विसेज के लिए क्या है, गैट्स है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है, ट्रिप्स है। और एक और चीज थी, क्या थी, कोई बता सकता है, ट्रिप्स के साथ साथ एक और चीज थी जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज ट्रिम्स। ट्रिप्स के साथ क्या था, ट्रिम्स था। ट्रिम्स इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट केम इन 2020। ओके, तो व्हाट इज ट्रिम्स, व्हाट इज ट्रिम्स, इट इज अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ओके, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेजर, इज इट क्लियर। इसका क्वेश्चन आया था, तो इसमें पूछा गया था कि क्या ट्रिम्स में
बोथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड है, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन था अगर आपको याद हो इट, तो वो आई थिंक द आंसर वाज नो, उसमें बोथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? यस करेक्ट, ओके। हाँ तो ये सिर्फ जो है ट्रिम्स जो है आपका, ट्रिम्स जो है ट्रेड इन गुड्स पे काम करता है। क्या काम करता है आपका? ट्रेड इन गुड्स पे काम करता है, ओके, इट इज अंडरस्टूड। तो क्या क्या हमारे पास आया? एओए, गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए क्या सीन है यहां पर? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए द डब्ल्यूटीओ अग्रीड ऑन अ सेपरेट अंडरस्टैंडिंग फॉर इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो अब जो है डिफरेंट, एक जैसे मान लो कि दो कंट्री में झगड़ा हो जाता है, जैसे ब्राजील ने, ब्राजील को इंडिया से क्या मतलब है? ब्राजील का हमारे से झगड़ा क्यों होगा? व्हाट कुड बी द रीजन दैट ब्राजील ने हमसे झगड़ लिया था? शुगर केन, शुगर केन में सब्सिडी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मेन लफड़ा इंडिया का एक ही जगह होता है एंड दैट इज एओए, दैट इज व्हाट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ओके। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन क्या है? पहले एक चीज बात कर लेते हैं, देखिए गैट जो है 1947 से चल रहा था, गैट जो है 1947 से चल रहा था, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ डब्ल्यूटीओ में, तो उसके पहले एक प्रोसेस हुआ। ऐसा नहीं है कि नाम ऐसे पेपर में चेंज करा दिया, पेपर में डाल के कि आज से गैट जो है डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा रीजन था एंड दैट वाज द उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड खत्म कैसे हुआ था? 94 में देर वॉज सम अग्रीमेंट, देर वॉज सम अग्रीमेंट, बता सकते हैं क्या नाम था उस अग्रीमेंट का? माराकेश अग्रीमेंट, डू यू गाइज रिमेम्बर? हमने बात की थी माराकेश अग्रीमेंट के बारे में, है ना? तो माराकेश अग्रीमेंट के थ्रू जो है ये बना था। अब यहां पर यूपीएससी अगेन कैन आस्क यू कि भाई बताइए माराकेश अग्रीमेंट से क्या बना था? तो 1986 में उरुग्वे से स्टार्ट किया, इनको 9 साल लगे, दे टुक व्हाट, दे टुक अराउंड 9 ईयर्स, और 9 साल के बाद इन्होंने फाइनली एक अग्रीमेंट किया कि अब जो है हम नया सिचुएशन पे काम करेंगे। बिकॉज एट दिस टाइम 1986 का जो एरा था उसमें क्या हुआ था, वी वर इंजिंग टूवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर कोई बहादुर है आप में से तो बता सकता है फॉर अ चॉकलेट कि 1986 में वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ था? क्या कोल्ड वॉर में कुछ चेंज आया था? कोई कोल्ड वॉर में चेंज आया था? नहीं, कोल्ड वॉर में पूछ रहा हूँ, 1986, 84, 85 में कुछ चेंज आया था, बड़ा चेंज आया था कोल्ड वॉर में इन द पॉलिसी? चलो इतना बता देता हूँ, इन द पॉलिसी ऑफ यूएसएसआर देर वॉज दिस बिग चेंज, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो जब यूएसएसआर का चेंज आया, बट नाउ यूएसएसआर जो है वो क्या बोलने लगा कि हम लोग जो है अब हम लोग ट्रेड करेंगे, बाहर के साथ ट्रेड करेंगे, मैकडोनल्ड्स वगैरह यूएसएसआर में खुल गया। उसके पीछे का रीजन क्या था? यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा पैसा जो है अफगानिस्तान में फूंक दिया था और उसका जो आर्म्स रेस था यूएसए के साथ दैट वाज अनसस्टेनेबल। तो उसके चलते क्या हुआ था, उनको बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो एक आदमी था, उसका नाम था मिखाइल गोरबाचेव, और वो मिखाइल गोरबाचेव क्या बोलता है दैट आई एम ब्रिंगिंग टू पॉलिसीज, वन इज द ग्लासनोस्ट एंड द सेकंड वन इज पेरेस्ट्रोइका, और ये जो पेरेस्ट्रोइका है व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन द कंट्री, ओपन अप द कंट्री। अब ओपन अप हुआ तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो गया इवन बिफोर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। बिकॉज डू यू थिंक दैट 1991 का जो यूएसएसआर का कोलैप्स है इट मैटर्ड? पहले तो 1984 ही में हार मान गया था ना। व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? अ वॉर बिटवीन आइडियोलॉजीज, वन वाज ओपन मार्केट, द अदर वन वाज व्हाट, वन वाज ओपन मार्केट एंड द अदर वन वाज अ कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, है ना? तो कम्युनिस्ट कंट्री खुद बोल रहा है कि मैं अब ओपन मार्केट बनूंगा, तो क्या कोल्ड वॉर 1984 में डिसाइड नहीं हो गया था यूएसए के फेवर में? तो इसीलिए 1986 में उरुग्वे में सारी कंट्रीज मिलती है, उरुग्वे इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका विद द कैपिटल इन
मोंटेविडेयो, और मोंटेविडेयो में ये सारे मिलते हैं और वहां जाके बोलते हैं कि अब हमें एक नया स्ट्रक्चर चाहिए, सोशलिज्म कम्युनिज्म हैज फेल्ड, अब जो है हम लोग ओपन ट्रेडिंग करेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ओपन ट्रेडिंग करेगी, ठीक है। तो यहां पर यूरोपीय राउंड से स्टार्ट हुआ था, 94 तक हम जो है बिकर करते रहे, यू नो इसमें चेंज करो उसमें चेंज करो, ये हम नहीं मानते, फाइनली सारी कंट्रीज जो है 94 में मानी, मैराकेश अग्रीमेंट, द मैराकेश अग्रीमेंट केम, और मैराकेश अग्रीमेंट से आपका गैट का नाम चेंज हो गया WTO में, और WTO के अंदर क्या क्या आया आपका, AOA अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, गैट्स आपके सर्विस ट्रेड के लिए, ट्रिप्स आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ट्रेड, है कि नहीं, आस्क द चाइनीज, कुछ भी भेजो तो उसको रिवर्स इंजीनियर करके अपना बना लेते हैं, एंड देन ट्रिम्स आपका जो है गुड्स के ट्रेड में। इज इट क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज दिस ट्रांजिशन बिटवीन उरुग्वे टू मराकेश एंड व्हाई गैट बिकेम WTO? ओके, प्रिंसिपल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रिंसिपल्स है रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, यहां पर आर्म ट्विस्टिंग इन्वेजन ये सारी चीजें वॉज द थिंग ऑफ द पास्ट, हम कहते हैं ना यू कैन नॉट इन्वेड द कंट्री लाइक दिस, पहले के किंग तो कर देते थे ना, पहले के किंग कर देते थे, तुम्हारे एम्बेसडर को आप भेजते थे, उसको अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, घोड़ा भेज भेज के, घोड़ा को भेज दिया, घोड़ा को मार के दिखाओ, ऐसा थोड़ी होता, आज होता है क्या, मोदी जी छोड़ देंगे घोड़ा वाघा बॉर्डर पे और पाकिस्तान पाकिस्तान में, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रूल बेस्ड सिस्टम यही है, अपने मन मर्जी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, देर आर सर्टेन रूल, बड़े हैं छोटे हैं, अमीर है गरीब है, सबके लिए रूल सेम है, दिस इज कॉल्ड द रूल बेस्ड ऑर्डर, दिस इज नोन एज द रूल बेस्ड ऑर्डर, ओके ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सो इट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल ट्रीटमेंट एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज समथिंग, ऐसा होता है जब आप बचपन में थे क्लास 1 2 में, तो आप अपनी मैम के पास, आप लोग सारे बच्चे जाते थे क्लास में और बोलते थे ना मैम आपका फेवरेट कौन है, तो मैडम बोलती थी सारे बच्चे मेरे फेवरेट, समझ रहे हो, वही चीज है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, आप सभी को टैग दे देंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन, कोई आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है, एवरीबडी इज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन, एवरीबडी इज ए मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो इंडिया ने क्या पाकिस्तान को दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल, याद होगा कुछ साल पहले ये चर्चा में था, द आंसर इज यस, आंसर इज यस, इंडिया ने दिया हुआ था, बाद में उन्होंने निकाल दिया। अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है सुनिए, इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत समय से मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाया हुआ था, उल्टा पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं दिया, इवन दो दिस इज समथिंग दैट WTO ऑब्लिगेट्स यू टू डू, कि आपको सभी को जो है MFN टैग देना है। ओके देखिए पॉलिसीज आप बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिसीज नहीं बना सकते फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। यस वैभव पूछिए प्लीज। हमने सर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने सर टैग दिया था, तब से ये एनिमीज ट्रेडिंग एक्ट का सर वायलेशन ही था फिर, ये क्या है सर एनिमीज ट्रेडिंग एक्ट का सर वायलेशन ही था जब हमने ये स्टेटस दिया था पाकिस्तानियों को। कैसे वायलेशन होगा, इट्स अ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट राइट, इट इज एनफोर्स बाय द पार्लियामेंट ओनली, पार्लियामेंट ने उसको वो किया होगा ना रैटिफाई, है ना, तो रैटिफाई जब किया होगा, ओके रैटिफाई जब किया होगा तो ऑब्वियसली इट हैज ओवरराइडिंग पावर, अगर आप रैटिफाई कर देते हो तो ओवरराइड कर जाता है, जब नेशनल लॉस के ऊपर चला गया, ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं ना ये बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ सही बता रहे हैं समुद्रगुप्त भाई कि एक स्पेशल अग्रीमेंट था दैट इंडिया पाकिस्तान ड्यू टू देयर करंट पोजिशन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का टाइटल छीन सकते हैं, ओके तो ये चीज होती है, देखिए वो हमने दे दिया, हम भोले भाले आदमी हैं,
हम लोग यू नो इंडियंस भोले भाले दे देते हैं, ठीक है, जो रूल्स होता है उसको बहुत मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा बेस्ट बेट है। अब वो देखो लीचड़ है, लीचड़ है तो देते नहीं है हमें, उन्होंने नहीं दिया। देखो ऑब्लिगेशन तो उनपे भी था ना कि देना है ना, लेकिन दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। एनीवेज तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन सबको समझ में आ गए। अब बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का। सो मेंबर्स कैन फाइल डिस्प्यूट्स इफ दे बिलीव दैट अनदर कंट्री इज वायलेटिंग द डब्ल्यूटीओ रूल्स, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एड्रेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्ट सर्जेस। तो कंटिजेंसी मेजर में आप क्या कर सकते हैं, कंटिजेंसी का मतलब है कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है, जैसे एंटी डंपिंग। आपने देखा है एंटी डंपिंग का एग्जाम्पल देता हूँ, डंपिंग क्यों होता है, ताकि डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन किल किया जा सके। चाइना क्या करता है, अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देता था, चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को क्या देता था, सब्सिडी देता था कि आप दूसरे कंट्री के कंपटीशन को मारो, एक बार सारी यूनिट्स बंद हो जाएगी तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम अपने मुंह मांगे दाम पे बेचेंगे। तो जब बचपन में आपने कभी देखा था, वो आपका जो तीर धनुष आता था या कोई टॉय आता था उस पर पीछे में 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए लिखा रहता था, टॉयज के पीछे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए लिखा रहता था। सो जब आप जाते थे खरीदने, एंड यू नो आई यूज टू गो एंड मैं खरीदता था, तो 5 रुपए लिखा हुआ है ऑन अ वेरी गुड टॉय, मतलब एक आरसी कार पे 4 रुपए 5 रुपए लिखा हुआ है, रिमोट कंट्रोल टॉय पे। तो मैं पूछा अंकल यहाँ तो 4 5 रुपए लिखा हुआ है, तो ये सेट की वो लिखा हुआ आता है एंड हमें पड़ता है 500 रुपए का। तो कैसे पड़ता है, मान लो चाइना उसको डंप कर रहा है 5 रुपए में इंडियन मार्केट में, तो वो अंकल को 500 रुपए कैसे पड़ा, कोई रीजन होगा। मान लो चाइना डंप कर रहा है 5 रुपए में, एंटी डंपिंग ड्यूटी, वेरी गुड। अब सरकार ने यहाँ गेम खेला, सरकार ने यहाँ पर गेम खेला कि सारे पोर्ट्स पे सामान आए, किसी का प्राइस ₹5 है, ₹10 है, किसी का ₹2 है, किसी का ₹12 है, उन सब पे जो है 800% ड्यूटी लगा दी, और उसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंडियन प्रोडक्ट से मैच कर गया। तो क्या अब इंडियन प्रोडक्ट से कंपीट कर सकता है चाइनीज प्रोडक्ट। सो दिस इज ए कॉन्टिजेंसी मेजर कि आप अगर मैलिफिशियस, आपका मैलिशियस अटेंड ये है आपका, व्हाट इज दैट वर्ड, मैलिशियस इंटेंट है, मैलिशियस अगर आपका इंटेंट है तो ये काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आप लगा सकते हैं, क्लियर है। और यहां पर होता है कि बहुत बार चाइना क्या करती है, चाइना क्या करती है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जब आता है ना तो उसको ब्लॉक कर देती है और अपना प्रोडक्ट के लिए लॉबी करती है कि आप जो है मुझे इंडिया शुड गिव अस गुड टर्म्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब चाइनीज प्रोडक्ट आती है तो हम उसको सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जब चाइनीज प्रोडक्ट्स आती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। उसी में आपका एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी आ जाता है। एज एज ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे, जब मैंने ये नोट्स बनाया था, डब्ल्यूटीओ का 164 मेंबर्स है और बीइंग द मोस्ट रीसेंट एडिशन इन मार्च 2016, 22 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है इसमें, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक ईरान, इराक एंड उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान इज नॉट अ मेंबर, ईरान इज नॉट अ मेंबर, इराक इज नॉट अ मेंबर। ऑब्जर्वर्स भी हैं इसमें, इंक्लूड एक्सेप्ट द होली सी आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन अ सेशन, मतलब आप परमानेंटली ऑब्जर्वर नहीं बैठ सकते। अगर आप ऑब्जर्व करने आ रहे, होता है ना जिम में जाते हो तो पहले दिन फ्री कर सकते हो, करके देख सकते हो, लेकिन सेकेंड टाइम आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये होली सी जो है ये वैटिकन है, एक्चुअली होली सी क्या है, वैटिकन है, कोचिंग में डेमो क्लास, हाँ डेमो वीडियो, दैट हैपन्स अ लॉट, ओके दैट हैपन्स अ लॉट, ऑब्वियसली समथिंग इसमें यू यू कैन नॉट से नो, डेमो तो नहीं, डेमो नहीं, बट इवन यू नो इफ सम गाय वॉन्ट्स टू स्टडी, है ना, कुछ कोई पढ़ना चाहता है तो यू नो यू यू डोंट से नो, दे देते हैं, ले 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 भाई तू देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मान लिया किसी को 2,000 4,000 रुपए के लिए तुम मना करोगे, भाई नहीं नहीं आई विल नॉट अलाउ यू, तो फिर पता नहीं यार, एजुकेशन और मेडिकल में नहीं मना करना चाहिए, दैट्स माय थिंग, है ना, ये एफआईआर की बात नहीं, एजुकेशन और मेडिकल में नहीं मना करना चाहिए, जहां तक हेल्प हो सकती है लोगों की करनी चाहिए। बाकी कोई बिजनेस के लिए मांग रहा है या घूमने फिरने के लिए मांग रहा है, लड़की को घुमाने के लिए मांग रहा है, तब तो नहीं देना। एनीवेज
मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस, सो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO, ये कब मिलती है? एटलीस्ट एवरी 2 ईयर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा 2022 में यूएन क्रेडेंशियल कमिटी पे क्वेश्चन आया था, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी पे, वो कब कब मिलती है? 3 बार मिलती है साल में, 2 बार मिलती है साल में, उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन जो है, दिस इज पॉसिबल दैट दे कैन आस्क यू कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO जो है वो एटलीस्ट एवरी 2 ईयर्स में मिलता है, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स ऑल मेंबर कंट्री और सेपरेट कस्टम टेरिटरीज विथ अथॉरिटी टू मेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, ठीक है? और ठीक है, ये तो चलो डेटा पुराना है। सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन थे? तो नैरोबी में हुआ था 2015 में, नैरोबी इज वेयर, कीनिया में, बाली में हुआ था बाली कॉन्फ्रेंस, जिनीवा में हुआ था। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, नैरोबी एंड बाली इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दोहा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दोहा इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां पर जो है वी वेर एबल टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। दोहा कॉन्फ्रेंस में कंसेशंस मिला था, इंडिया इंडिया ने वहां पुश किया था और डेवलपिंग वर्ल्ड को मिला था, ठीक है? डेवलप्ड कंट्रीज कमिटमेंट चैलेंजेस इंक्लूड द परसीव्ड लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, एस्पेशली द यूएसए एंड यूके विथ इट्स ब्रेक्सिट प्रोसेस। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कमिटमेंट था कि बेसिकली उन्होंने बोला था इनिशियली डेवलपिंग वर्ल्ड हैज, जो कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, दे अक्यूज्ड द डेवलप्ड कंट्रीज एस्पेशली यूएसए एंड यूके कि आप जो है कमिटेड नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ओपन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपका कमिटमेंट उतना अच्छा नहीं। इंक्रीजिंग ट्रेड टेंशन एंड राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नैरोबी नेगोसिएशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नैरोबी नेगोसिएशन। WTO का जो था 10th कॉन्फ्रेंस हुआ था नैरोबी में, तो समझ रहे 10th कैसे होगा, 1994 से 2015, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स मिलना होता है, तो समझ रहे एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर्स, एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर्स, तो 20 साल में कितने बार मिले? 10 बार। और कॉप, नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ कीनिया, ओके? और कॉप कब मिलता है? कॉप COP एवरी एवरी ईयर, COP कब मिलता है? एवरी ईयर, ओके, ठीक है। तो नैरोबी कॉन्फ्रेंस वॉज द फर्स्ट टाइम अफ्रीकन नेशन हैड होस्टेड सच अ मीटिंग, ठीक है? नैरोबी डिक्लेरेशन एंड दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, सो देर वॉज अ डाइवर्जेंस अमंग द WTO मेंबर अबाउट रीअफॉर्मिंग द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो यहां देखिए दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कब बना था? दोहा 2001 में बना था और ये कंसेशंस लिया गया था बाय द डेवलपिंग वर्ल्ड। क्यों डेवलपिंग वर्ल्ड बोल क्या रहा था दोहा में? वहां पर डेवलपिंग वर्ल्ड ये बोल रहा था कि आप लोग जो है ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यू हैव अ सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी, यू कैन ओवरवेलम अस एज द डेवलप कंट्री, आप तो हमें ओवरवेलम कर देंगे। नाउ यहां पर एक फनी फैक्ट है, हु डिसाइड्स हु इज डेवलपिंग एंड हु इज डेवलप्ड? हु डिसाइड्स? कंट्री सेल्फ आइडेंटिफाई करती है, कंट्री जो है सेल्फ आइडेंटिफाई करती है, ओके? जैसे होता है ना प्रोनाउंस, शी हर ही हिम वाला, उस तरीके से ये डेवलपिंग और डेवलप्ड खुद करती है। चाइना अपने आप को क्या बोलता है? चाइना द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अपने आप को क्या बोलता है WTO के अंदर? चोर नहीं बोलता है, डेवलपिंग बोलता है, ठीक है? डेवलपिंग बोलता है, आई एम डेवलपिंग, ओके, दैट आई एम डेवलपिंग। आयरनी है कि नहीं? क्या आयरनी है कि नहीं? चाइनीज अपने आप को डेवलपिंग कह रहे हैं। ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि भाई हम जो है बहुत ऊपर की कंट्री हैं, ये है वो है, बट देन व्हाट दे से, व्हाट दे से, हम जो है डेवलपिंग, ठीक है? इंडिया अलॉन्ग विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम ग्रुप्स लाइक G33, LDC,
एंड अफ्रीका ग्रुप एडवोकेटेड फॉर रीअफर्मिंग द दोहा राउंड मैंडेट। तो यहाँ पर जो कंसेशन मिले थे इन द मैटर ऑफ सब्सिडीज एंड ऑल, तो वो बोला गया था कि आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज जो है पीछे छूट रही है। ओके, इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली एडवोकेटेड फॉर अ रीअफर्मेशन ऑफ द मिनिस्टीरियल एंड जनरल काउंसिल डिसीजन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। अगर आपको याद होगा, इसके पहले इंडिया ने एनएफएसए एक्ट पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था, और बहुत सारी कंट्रीज कह रहे थे कि ये जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, एफसीआई जो प्रोक्योरमेंट कर रही है अंडर द एनएफएसए, दिस टेंटामाउंट्स टू सब्सिडी। ये क्या है? सब्सिडी है टू द फार्मर। तो इंडिया ने क्या बोला, भाई थोड़ी तुमको भेज रहे हैं, अपने गरीब बच्चों को खिला रहे हैं, वी आर फीडिंग आर गरीब किड्स, है ना। उसके बाद एक स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म ऐड करवाया गया नैरोबी में। इंडिया नेगोशिएटेड अ डिसीजन इंश्योरिंग दैट एसएसएम इश्यूज रिमेन्स ऑन द डब्ल्यूटीओ एजेंडा, एन अग्रीमेंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू अ स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, कि हम अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री जो अभी भी डेवलप कर रही है, वो यूएसए के इंडस्ट्रियल आउटपुट या कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? मैच नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म चाहिए ताकि हम अपने एमएसएमई और इंडस्ट्रीज को बचा सके। और यहां पर क्या है, कंसेंसस वाज आल्सो रीच टू एलिमिनेट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड डेवलप्ड कंट्रीज अग्रीड टू रिमूव देम फॉर मोस्ट प्रोडक्ट इमीडिएटली, वेयर एज डेवलपिंग कंट्री को 2018 तक का टाइम दिया गया था। और डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो कैन मेक सर्टेन मेंटेन सर्टेन सब्सिडीज लाइक दोज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग अंटिल 2023। ओके, एंड नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज वेयर गिवन एडिशनल टाइम, जो कि खाना जैसे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कतर, कतर एक ऐसी कंट्री है जहां पर एग्रीकल्चर जीरो के बराबर होता है, तो खाना कहाँ से आता है? बाहर से आता है, एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड। सिंगापुर, एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड। ओके, तो वैसी कंट्री को ज्यादा टाइम दिया गया कि आप जो है, आप ऐसे भी आप तो कुछ प्रॉब्लम कर नहीं रहे क्योंकि आपके यहाँ तो अनाज होता ही नहीं है, व्हाट यू विल सेंड। तो आप जो है एक काम करो कि आप आराम से कर सकते हो, लेकिन जो कंट्री एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, उनको बोला गया कि आप 2023 तक वो कर लो, ठीक है। डिसिप्लिन ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड पॉलिसीज में भी कि डिसिप्लिन हम लोग रखेंगे, लिमिटेशन में काम करेंगे, किसी भी एक कमोडिटी को हम जो है नहीं देंगे एक्सेस सब्सिडी। और डिसीजन वाज मेड टू प्रिवेंट एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स इन द फार्मा सेक्टर, एडिंग इन द एसेसिबिलिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। तो यहां पर क्या है, एवर ग्रीनिंग का मतलब क्या है? एवर ग्रीनिंग का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? एवर ग्रीनिंग का उल्टा अपोजिट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। एक्सेलेंट, क्या होता है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ओके, सो एवर ग्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, ऐसे तो पेटेंट्स मैक्सिमम कितने इयर्स के लिए ग्रांट होता है? 20 इयर्स। तो 20 साल का मान लो आपको पेटेंट हुआ, तो पेटेंट आप जैसे ही 20 साल हुआ, तो आपने क्या किया, 19वें साल, 19th ईयर, अपने फॉर्मूला में, अपने फॉर्मूला में छोटा सा ट्वीक करके सेम थिंग को, सेम मेडिसिन को फिर से रजिस्टर करा दिया। डू अंडरस्टैंड दिस? 20th ईयर में एक्सपायर होना था और आपने क्या किया, आपने क्या किया, 19th ईयर में, 1 साल बचा था आपके पेटेंट में, उसको थोड़ा सा ट्वीक करके एज अ डिफरेंट, अंडर डिफरेंट नेम, अंडर ए डिफरेंट नेम जो है आपने करवा लिया, ठीक है। ओके, यस, ओके। इंडिया ने जो है इनिशिएटिव्स बैक किए थे एलडीसीज के लिए, लोअर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बोलते हैं एलडीसी।
यहां पर अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि मान लो कि ऐसा कोई दवाई है जो बाहर से आया है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, और उससे क्या हो सकता है कि ह्यूमंस जो है वो उससे बेटरमेंट हो सकता है। तो इंडिया क्या करता है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मतलब बोलता है कि जो पीछे दवाई लिखा हुआ है ना, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, ओके दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। आप क्या करो कि इसका दवाई पढ़ के जितना भी इसमें सामान लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स, आप जो है जेनेरिक मेडिसिन बना। तो इंडिया ये करते रहता है, एक एक लाख की दवाई 800-800 की बिकती है इंडिया में। इसके वजह से दूसरी कंपनी क्या करती है, एक एक लाख की दवाई जो है 800-800 में बेचती है। ओके, इंडिया क्या करता है, इट ऑफर्स ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस एंड सर्विसेज प्रेफरेंस टू ऑल एलडीसी। सारे एलडीसीज को क्या करता है, ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस देता है। देखिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हमारा कुछ नुकसान होगा ऑलरेडी, जैसे कंट्रीज है जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गेबोन, कंट्रीज लाइक सेनेगाल, कंट्रीज लाइक कैमरून, कंट्रीज लाइक सूडान, साउथ सूडान, तो इनसे हमारा कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इनको कोटा फ्री और ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दें? ऐसे भी कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है ज्यादा, ये थोड़ा बहुत कमा लेंगे इंडिया की वजह से 10-12 हज़ार रुपए महीने का इनके एक्सपोर्टर्स, तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। जहां पर बातें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, वहां पर आप मिलियंस का बात नहीं करते, ठीक है? अगर एक आध मिलियन का फायदा हो भी रहा है तो इंडिया के लिए अच्छा है, वहां के हमारा नाम ही होगा ना कि इंडिया में बेचते हैं सामान। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उस पर भी इंडिया ने बात किया था, और यहां पर क्या था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना की वजह से। चाइना जो है बहुत सारी चीजें डंप करके भाग जाता है, ठीक है? आईटी का भी अग्रीमेंट हुआ था। ओके, उसके बाद बुएनोस आयरेस में हुआ था 2017 में। तो यहां पर था कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट ए मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन और एनी सब्सटेंटिव आउटकम, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है? अगेन सेम थिंग एज वाज देयर, इसको छोड़ देते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? अगेन सेम बात हुई थी, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था। ओके, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे बात हुई थी, दैट आप जो है जो भी आपने कमिटमेंट किया था 2001 में, आप उसको फिर से कमिट करो, ठीक है? अब बात करते हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, एओएम, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आया था आपका एओए। और ये क्या है, इट एम्स टू रिफॉर्म ट्रेड इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मेक पॉलिसीज मोर मार्केट ओरिएंटेड। ये क्या करना चाहता है, ये एम करना चाहता है टू रिफॉर्म द ट्रेड इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मेक द पॉलिसीज मोर मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है? इसी में आपके बॉक्सेस आते हैं, इंक्रीज मार्केट एक्सेस, दे वॉन्ट टू रिड्यूस टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम आती है मिल्क की, हमने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया था, याद है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया था। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मिल्क सोसाइटी, सॉरी मिल्क इंडस्ट्री, बिकॉज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओवरवेलम कर देता है। वो आपने सुना डैनॉन करके एक प्रोडक्ट आता है, डैनॉन, ये सारी कंपनीज जो है दे आर वेरी बिग मिल्क जाइंट्स। ओके, दीज कंपनीज डैनॉन एंड अदर्स, दे आर वेरी बिग मिल्क जाइंट्स, और न्यूजीलैंड की इंडस्ट्री, ओके, न्यूजीलैंड की इंडस्ट्री और ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, व्हाट डज इट डू, वो जो है बेसिकली इतना ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, प्रोड्यूस करती है, जैसे आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड में एक आदमी पे चार भेड़ है, एक आदमी पे न्यूजीलैंड में चार भेड़ होती है, आदमियों से ज्यादा वहां पर चार गुना ज्यादा भेड़ है। ओके, एंड व्हेन यहाँ जैसे हमारे पास क्या होता है, 10 भैंस हो जाती है तो किसान अपने आप को बड़ा आदमी समझ लेता है, मैं मेरे पे तो 10 भैंस है जी, है ना, ये बोलता है ना, 10 भैंसे, और वहां पर जो है हजारों, 1500, 3000 नॉर्मल है। यू आर कॉल्ड ए हॉबीस्ट,
अगर 10 भैंस तुमने पाली है ना, तुमको हॉबीस्ट बोलेंगे, चिढ़ाएंगे। यहां पर क्या है, 10 भैंस में बड़ा फार्मर हो जाता है, 10 भैंसे बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इंडिया नहीं चाहता है कि इस टाइप के यू नो ऑब्जेक्टिव्स पे हम जो है काम करें। वाई? बिकॉज हमारे एक बड़ा जो 54-55% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, और क्या चाहता है एओए? इट वांट्स टू रिड्यूस डोमेस्टिक सब्सिडी, इट वांट टू कर्टेल सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट ट्रेड बाय गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को अनफेयर एडवांटेज नहीं देना है। चाइना कर रहा था, चाइना कर रहा था, साउथ चाइना में शुगर केन उगा रहा था, यूनान वगैरह प्रोविंस में ये शुगर केन उगा रहा था, और बहुत हाई इनको जो है एक्सपोर्टर्स को, शुगर केन एक्सपोर्टर्स को बहुत हाई सब्सिडी दे रहा था एट वेरी चीप प्राइसेस। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज गई थी। व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ एओए? सो मार्केट एक्सेस होता है, उसमें आपको टैरिफिकेशन, तो यहां पर नॉन टैरिफ बैरियर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू टैरिफ्स, प्रोवाइडिंग ए मोर ट्रांसपेरेंट मींस ऑफ प्रोटेक्शन। यहां पर जो है आपको नॉन टैरिफ बैरियर जो है उनको आप टैरिफ में कन्वर्ट करोगे ताकि एक ट्रांसपेरेंट चीज पड़े। अब यहां पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है? जो पैसे वाले बैरियर्स नहीं होते, जो पैसे वाले बैरियर्स नहीं होते उनको हम नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी कंडीशन को बोल सकता हूँ नॉन टैरिफ बैरियर है? कोटा सिस्टम, यस, कैन आई से दैट द कोटा सिस्टम इज वन पार्ट ऑफ द नॉन नॉन टैरिफ? मतलब जहां पैसा नहीं लगता, टैरिफ का मतलब जहां पर आपने पैसा लगा दिया। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, जितना पॉसिबल हो नॉन टैरिफ बैरियर को आप टैरिफ में कन्वर्ट कीजिए ताकि हमें पता रहे, हम मॉनिटरी बेसिस पे कैलकुलेट कर सके, हम जो है मॉनिटरी बेसिस पे कैलकुलेट कर सके। इज इट फाइन? इज इट, आर यू गाइस एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट डज कन्वर्जन ऑफ नॉन टैरिफ टू टैरिफ बैरियर मींस? कोई भी डाउट है पूछना, शर्माना नहीं। टैरिफ रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ टैरिफ ओवर एन अग्रीड अपॉन टाइम पीरियड। तो एओए क्या कह रहा है कि जो टैरिफ है, ठीक है, सबसे पहले तो नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद क्या करना है, जो भी टैरिफ है उसको रिड्यूस कीजिए ओवर अ टाइम पीरियड। अब यहां पर इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि भाई हम टैरिफ अगर कम कर देंगे बाहर के प्रोडक्ट्स पे, तो हमारा एक 55%, 56% जनता, वट एवर द नंबर इज, 54-55%, वो जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है, और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, आर दे वेल ऑफ? इज द 54% जनता वेल ऑफ? दे आर नॉट, दे आर द लीस्ट वेल ऑफ ऑफ द थ्री, सबसे कम कमाई होती है। ओके, आप देखते होंगे कि फार्मिंग जो है इट्स नॉट अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस इन इंडिया। फार्मिंग होती है अमेरिका में 500-500 एकड़ मिनिमम, 1000-1000 एकड़, एकड़ वो देखा है आपने इंटरस्टेलर में? इंटरस्टेलर ही है ना नाम, इंटरस्टेलर का फर्स्ट जो सीन है, इंडियन एयरफोर्स का जो संस्कृत वाला ड्रोन आता है, कितने बड़े फार्म में आता है? उतना बड़ा फार्म पॉसिबल है इंडिया में? उतना बड़ा फार्म इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ओके, डोमेस्टिक सपोर्ट में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो डोमेस्टिक सपोर्ट को इन्होंने क्या किया है, एओए के अंदर बॉक्सेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या किया, बॉक्सेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में क्या होता है, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट्स दैट आर कंसिडर्ड टू डिस्टॉर्ट ट्रेड, मतलब द इट इज द मोस्ट नेगेटिव बॉक्स। जितने भी सब्सिडीज हैं जिससे एक्चुअल ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है उनको एम्बर बॉक्स में रखा जाता है, एंड दीज आर सब्जेक्ट टू क्रिटिकल लिमिट्स। कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकली इट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट मेजर्स एंड सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन लेवल। इसमें क्या है कि जो भी प्राइस सपोर्ट मेजर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बढ़ाने में काम आते हैं, क्या होता है ना, कैन आई से दैट लेट अस से कि अगर आप किसान को जाके बोल रहे हो कि हम आपको सब्सिडी देंगे इस पे सीड्स पे, और आप इस सीड को खरीद लो, ये फ्री रहेगा हमारी तरफ से, कैन आई से, तो आप समझ रहे हो हाउ व्हाट अ नाइटमेयर इट इज टू डिफेंड एमएसपी, व्हाट अ नाइटमेयर इट इज टू डिफेंड एमएसपी। इंडिया जो है बहुत ज्यादा अपना लीगल पावर लगाता है
WTO में एमएसपी को डिफेंड करने में। बार बार कंट्रीज चाहती है कि दूसरी कंट्री चाहती है हमारा एमएसपी एम्बर बॉक्स के अंदर आ जाए। इंडिया बोलता है भाई देखो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज जस्ट एन इनकम सपोर्ट मेजर फॉर द फार्मर। ओके, हम जो है इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, दिस इज नॉट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, इट मींस इट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट मींस दैट वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए डिग्निफाइड लिविंग टू आर फार्मर्स। कांट वी डू दैट? तब जाके कहीं WTO वाले शांत होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई फिर से केस कर देता है और हमारे लॉयर्स फिर जाते हैं। वही चीज हम 18-20 साल से उनको समझा रहे हैं कि भाई डिग्निटी के लिए देते हैं एमएसपी, ट्रेड बढ़ाने के लिए नहीं देते, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नहीं देते। टू अंडरस्टैंड दिस, इज इट क्लियर? ओके, कुछ गवर्नमेंट लोन्स होते हैं, प्राइस सपोर्ट्स, डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स, इनपुट सब्सिडीज, ओके, दैट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जैसे हमारा PLI है, उसको भी अभी उसका भी काफी अभी फजीहत हुआ था WTO में, बहुत सारी कंट्रीज ने सवाल उठाए। वहां पर भी हम गए थे, हमारे IAS ऑफिसर्स लोग गए थे समझाने के लिए हाउ PLI इज नॉट, यू नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी PLI में, लेकिन जो AOA है वो बार बार जो है ट्राई ट्राई करता है कि MSP जो है वो हमारा इसमें आ जाए। ओके, आपको ये पता है पंजाब के जो फार्मर्स है वो खुद नहीं उगा रहे हैं आजकल। बिहार में APMC हैज बीन बैंड अकॉर्डिंग टू अ 2013 एक्ट। तो पंजाब के फार्मर चले जाते हैं ट्रक लेके बिहार में, बिहार में जो है आधे दाम पे खरीदते हैं, और पंजाब में MSP इज हायर बिकॉज बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट गिव्स देयर, और फिर वहां से खरीद के मिडलमैन का काम करते हैं। 900 900, जैसे 900 रुपए क्विंटल खरीदा चावल बिहार से, तो उसको 1800 रुपए बेच दिया, कुछ करना नहीं है, सिंपल प्रॉफिट। ओके, सिंपल प्रॉफिट चलता है। इट इज एक्चुअली, यू नो, इन अ वे इट इज डिस्टॉर्टिंग द ट्रेड। क्या वो ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ट्रेड डिस्टॉर्ट। देखिए हमारा मेजर खाना पीना कहाँ चला जाता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है, तो दूसरे कंट्री का तो सवाल ही नहीं है। NFSA है ना, गरीब कल्याण योजना, इस टाइप की चीजों में चला जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ईच WTO मेंबर हैज अग्रीड टू रिड्यूस देयर AMS। ओके, दैट इज अग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एंड डेवलप्ड कंट्रीज अग्री टू रिड्यूस दीज फिगर्स बाई 20% ओवर 6 ईयर्स, 1995 से 2001 के बीच में, और डेवलपिंग कंट्रीज 13% ओवर 10 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग अलग यहां पर प्रोविजन है। देन देर इज समथिंग नोन एज द डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। वॉट इज द डी मिनिमिस एग्जेम्पशन? सो स्मॉल लेवल्स ऑफ सब्सिडीज आर अलाउड विदाउट बीइंग काउंटेड इन द AMS। ये 5% है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज और 10% है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। प्लीज ध्यान रखिएगा, हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज को रिलैक्स्ड, डेवलपिंग कंट्रीज को रिलैक्स्ड मेजर्स मिलते हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे कैन नॉट बी ऑन द सेम फुटिंग। ओके, देन कम्स योर ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या होता है? ऐसे ऐसे ये ट्रेड सपोर्ट मेजर्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड लेस डिस्टॉर्टिंग देन एम्बर। एम्बर इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग, मतलब मोस्ट डिस्टॉर्टिंग। उसके नीचे आपका एक होता है लेस डिस्टॉर्टिंग देन एम्बर, आपका ब्लू बॉक्स होता है। इज इट क्लियर? दीज आर सब्सिडीज दैट आर टाइड टू द प्रोग्राम दैट लिमिट प्रोडक्शन। दे आर एग्जेम्पशंस टू द एम्बर बॉक्स, दे आर सीन एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग बट दे आर अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशन। एग्जाम्पल क्या होता है? डायरेक्ट पेमेंट स्कीम्स वेयर फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू लिमिट प्रोडक्शन। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कैसे अफगानिस्तान में, ओपियम फार्मर्स को पेमेंट मिला था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू स्टॉप ओपियम फार्मिंग। तो यहां पर क्या होता है, क्या ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है? ये डायरेक्ट पेमेंट है, चलो एक जगह तो डिस्टॉर्ट कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा है?
यहां बोल रहा है स्टॉप प्रोडक्शन, यू प्लीज डोंट डू। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई वाटर हयासिंथ उगा रहा है, कोई इतना गधा है जो कि वाटर हयासिंथ उगा रहा है, अब उसको मना कर रहे, नहीं मान रहा, उसको बोले ले भाई तू 20,000 रुपए रख और वाटर हयासिंथ उगाना बंद कर, तो ये ब्लू बॉक्स में आएगा। क्या आप समझ गए? क्या आपको समझ में आया ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या हो गया? व्हाट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी? किस तरीके का इसमें सपोर्ट मिलेगा? कोई ऐसा क्रॉप है जैसे डुओपोली है राइस की और वीट की। अब राइस का क्या प्रॉब्लम है? राइस का क्या प्रॉब्लम है? वाटर इंटेंसिव है। तो उस केस में क्या करना है? राइस फार्मर्स को पैसा देना कि देख भाई इतना पैसा रख और राइस फार्मिंग करना बंद कर, बिकॉज जो है आपके वाटर टेबल जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कम जा, ठीक है? तो ये जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी, ब्लू बॉक्स। एंड देन कम्स योर ग्रीन बॉक्स। व्हाट आर ग्रीन बॉक्स? दीज कंटेन सब्सिडीज दैट आर डीम्ड टू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और दे कॉज मिनिमल डिस्टॉर्शन, दे मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट टू फार्मर। तो एमएसपी क्या काउंट हो सकता है ग्रीन बॉक्स में? एमएसपी क्या ग्रीन बॉक्स में काउंट हो सकता है? नोई। ये देखिए, दे मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। इजंट एमएसपी ये प्राइस सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम ही है ना? और ये क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट कैन बी सेड टू बी यू नो अ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। यूजुअली गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होते हैं एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे R&D में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिजीज कंट्रोल में, जो पूसा उसा नहीं बनाते, पूसा X300, पूसा Alpha 1 2 3, इस टाइप का जो वो बनाता है न्यू न्यू काइंड ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी, सो उसमें जो R&D का खर्चा आएगा दोज आर कंसिडर्ड ग्रीन बॉक्स, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिटमेंट टू रिड्यूस बोथ द वॉल्यूम एंड द बजटरी आउटलेज ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो यहां पर क्या है, एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है उस पे भी AOA में, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, उस पे भी हम कम से कम कमिटमेंट है कि कम से कम एक्सपोर्ट सब्सिडी करें। टाइप्स ऑफ सब्सिडी, इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, फूड सिक्योरिटी, स्टॉक होल्डिंग, डोमेस्टिक फूड एड, डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अगर मान लो कि किसान को तुमने बोला कि अपने फील्ड पे तुम 100 पेड़ लगाओगे तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तो विल दैट कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? विल दैट कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? द आंसर इज यस, इट विल कम अंडर द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इज इट क्लियर? ओके। इंडिया और AOA का क्या रिलेशन है? सो इंडिया कंसर्न जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड इट्स मैसिव पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, जो है आपका मैसिव पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी, उसमें NFSA का बड़ा प्रॉब्लम है, दैट NFSA के अंडर जो प्रोक्योरमेंट होता है बाय द FCI, इट माइट नॉट बी यू नो, इट माइट कॉज बी कॉजिंग ए आई सोर टू अ लॉट ऑफ कंट्री कि यार ये कैसे इंडिया कर सकता है ना? उसके बाद इंडिया स्टांस इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडीज दैट इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया क्या कहता है कि भाई हम तो सब्सिडी देंगे, वाई? बिकॉज हमारा MSP किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हमारा जो MSP है दैट इज फॉर वॉट? आर MSP इज फॉर सपोर्टिंग द फूड सिक्योरिटी फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। ओके, इंडिया हैज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग SSM। व्हाट इज SSM? आई जस्ट टॉट यू व्हाट इज SSM। इंडिया एडवोकेट कर रहा था SSM के लिए, इफ यू गाइज रिमेम्बर, हम जो है SSM के लिए याद कर रहे थे। तो व्हाट इज दैट? पता नहीं कहाँ है, ऊपर कहीं छुप गए। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, याद? स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म कहीं होगा। हाँ, ये रहा स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिप्स के बारे में। व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हाई इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो इंपॉर्टेंट? व्हाई इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो इंपॉर्टेंट? व्हाट कुड बी द रीजन?
सी द रीजन कुड बी, नहीं, द रीजन कुड बी, आप समझिए, एक आदमी है, साइंटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, एक आपका साइंटिस्ट है, एंड दैट साइंटिस्ट जो है उसने बहुत अपना जीवन बिता दिया किसी चीज पे, एट द एज ऑफ 50 ही गॉट अ ब्रेक थ्रू, और उसको जो है अब सोचा कि यार मैंने 50 साल अपने जिंदगी के गरीबी में काटे हैं, अब मुझे ये चीज मिल गई है, लेट मी नाउ मोनेटाइज इट। तो उसने अपना ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स दिया, 30 ईयर्स का रिसर्च जो भी था उसका, उसके बाद उसको एक चीज मिली, फिर उसको जब बेचने गया मार्केट में, तो बाहर के लोग जो बैठे हुए थे कुछ नहीं कर रहे थे, उसने इसका प्रोडक्ट लेके उसको फिर उसको रिवर्स इंजीनियर कर दिया। तो क्या इस टाइप के साइंटिस्ट फिर से अपना ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स देंगे कभी साइंस को या किसी टेक्नोलॉजी को? कभी नहीं देंगे। दैट्स व्हाई आईपी इज सो इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहां पर क्या होता है, रशिया जो है वो चाइना को वेपन सप्लाई करता है, और चाइना क्या करता है, उसको बस रिवर्स इंजीनियर कर देता है। रशिया इज वेरी एंग्री विथ चाइना बट इट कैन नॉट शो। रशिया जो है, इट इज वेरी एंग्री विथ चाइना बट इट कैन नॉट शो। आपको क्या लगता है, वाई SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्यों, इंडिया को कौन लेके गया था? रशिया लेके गया था एज अ काउंटर बैलेंस, एज ए काउंटर बैलेंस टू चाइना, बिकॉज चाइना जो है उससे बहुत वेरी करता है रशिया। अब दूसरी रीजन देखिए, आईपी जो है वो इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिवाइज करता है कंट्रीज को और इंडिविजुअल्स को कि वो कंटिन्यू करे अपना साइंटिफिक परस्यूट्स। जैसे रशिया के साथ क्या था, रशिया इतना पैसा लगा के इंजन डेवलप करता था और चाइना बस उसको कॉपी कर लेता था, तो रशिया एक्चुअली बहुत दुखी हो गया था इस बात से। जो प्रोडक्ट भेजता था रशिया डिफेंस का, उसको तुरंत कॉपी, तुरंत कॉपी कर लेता। दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिप्स समझ में आ रहा है व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आया है? तो ये यूरोपीय राउंड में ही एस्टैब्लिश हुआ था। इट एम्स टू एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और यहां पर देखिए दो चीजें, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा आईपी का प्रॉब्लम आने लगे, बहुत ज्यादा आईपी का प्रॉब्लम आने लगे, तो यहां पर क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड बैलेंसेज राइट्स ऑफ आईपी होल्डर्स, उसके साथ जो बना रहा है और उसके साथ जो पब्लिक है उसका राइट जो है वो बैलेंस हो। ये क्या करता है, पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है, और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है। एंड पेटेंट प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स। पेटेंट प्रोटेक्शन कितने साल के लिए होना चाहिए, 20 ईयर्स। तो क्या ट्रिप्स के लिए इंडिया ने अपना एक्ट बनाया है कोई? इंडिया ने अपने पेटेंट्स एक्ट को अमेंड किया था जब इंडिया ट्रिप्स पे आई थी? यस, एम्फसाइजेस ऑन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर आईपी राइट्स। ओके, इट रिक्वायर्स द WTO मेंबर्स टू अलाइन देयर डोमेस्टिक लॉज। अब डोमेस्टिक लॉज को चेंज करना पड़ेगा अप टू द ट्रिप्स स्टैंडर्ड, अप टू द ट्रिप्स स्टैंडर्ड जो है डोमेस्टिक लॉ को चेंज करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज वेयर गिवेन अ ईयर, डेवलपिंग कंट्रीज 5 ईयर्स, और LDCs को 11 ईयर्स दिया गया था ये कंप्लायंस करने के लिए। तो इंडिया ने जो है चेंज कर दिया था, लेकिन चेंज थोड़ा लेट किया था, 2005 में किया था। ओके, ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ, तो डिबेट जो था दोहा डिक्लेरेशन 2001 में क्या हुआ था कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए टू काउंटर द पब्लिक हेल्थ नीड्स। जैसे इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ नीड्स में क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब यहां पर देखिए, एक बीमारी होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी इंजेक्शन 16 करोड़ की आती है। एक आता है ना मायोप्स, कुछ मस्क्यूलर, हाँ जोलेग्नस्मा नाम है उसका, लेकिन मस्क्यूलर एट्रॉफी कुछ होता है ऐसे, SMA वही होता है ना, मस्क्यूलर एट्रॉफी है ना, तो वो उसमें स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी होता है, तो उसमें 16 करोड़ है। तो डोंट यू थिंक दैट हर आदमी के पास क्या 16 करोड़ होगा, क्या सारे बच्चों के पास 16 करोड़ होगा? हार्डली किसी के पास होगा। जब तक अंबानी के घर में
अंबानी के घर में नहीं जन्मे हो या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में, 16 करोड़ कहां से कोई लाएगा? इवन अपर क्लास पीपल कुड नॉट अफोर्ड, अपर क्लास पीपल कुड नॉट अफोर्ड दिस। तो सरकार क्या कर सकती थी? सरकार ने एक काम किया कि जीएसटी हटा दिया। उन कुछ पेरेंट्स थे जिनके बच्चों को एसएमए था, तो वो गए निर्मला सीतारमण के पास, बोले कि मैम ऐसी बात है, हमें आप हेल्प कीजिए। फिर क्या हुआ, जीएसटी जो है वो हटाया, तो कितना कॉस्ट आया, 12 करोड़ हो गया। 4 करोड़ का जीएसटी हटा तो 12 करोड़ हो गया। फिर भी क्या ये अब भी क्या ये है कि नहीं, क्या 12 करोड़ अफोर्डेबल है? नहीं है। तो इस समय क्या होगा, क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग हो सकता है? इंडियन गवर्नमेंट एक डोज खरीदे, इंडियन गवर्नमेंट एक डोज खरीद के उसको रिवर्स इंजीनियर करा दे ताकि बहुत सारे बच्चों की लाइफ बच पाए, ऐसा कर सकती है। तो यहीं पर आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग आ जाता है। यहां पर क्या आता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग आपका यहीं पर आ जाता है, ठीक है। फिर बायोडायवर्सिटी भी, अब देखिए कुछ महानुभाव क्या है, उन्होंने क्या किया था, टर्मरिक को और ट्यूमरिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, उसको अमेरिका में टर्मरिक को आईपी कराना चाह रहे थे गधे। इंडियन गवर्नमेंट गई और बोली कि ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हो, बासमती चावल को कराना चाह रहे थे जो कि इंडिया का आईपी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। याद आया टीकेडीएल के बारे में हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज समथिंग क्या है, लाइब्रेरी है ना, टीकेडीएल इज दैट ना, डिजिटल लाइब्रेरी है, यस टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इंडिया ने बोला कि भाई ये गिफ्ट है, योगा, टर्मरिक, बासमती चावल, एसोफोटिडा, हींग, ये सारा इंडिया का गिफ्ट है वर्ल्ड को, इसको क्यों तुम ये हरकत कर रहे हो, ठीक है इसको मत करो। तो इंडिया ने जाके केस लड़ा, इंडियन एम्बेसी ने केस फाइल किया और फिर जो है उसको क्वाश कर दिया गया और बोला गया कि फिर से मत करना। ये अमेरिकन कंपनी जो है उसको, ये कॉरपोरेट ग्रीड जो है उसको संभालने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग जैसी चीजें जरूरी है। अब भाई कुछ ऐसे कैंसर के दवाइयां हैं जिसमें सीईओ से पूछा गया कि आपकी दवाई तो बहुत महंगी है जी, तो बोले पुअर पीपल के लिए थोड़ी बनी है, रिच पीपल के लिए बनी है, सामने बोलता है पब्लिक में, इन द मीडिया ही सेड कि ये रिच पीपल के लिए है, पुअर पीपल के लिए नहीं। इंडिया ने क्या किया पता है, सेम दवाई को पकड़ के उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग करा दिया। नहीं, फाइजर का नहीं था, दूसरा था, ही वाज अ यंग सीईओ, कुछ कोई स्टार्टअप का सीईओ था, तो इंडिया ने वही किया कि उसका दवाई लेके उसको कंपलसरी लाइसेंस करा दिया, ले। और फिर उसकी आई थिंक अमेरिकन न्यूज चैनल पे बात भी चली थी कि इंडिया ने इसके साथ क्या किया, गधे के साथ। इंडिया जो है इसने कंप्लाई कर लिया है ट्रिप्स लॉ के साथ और अपने 1970 के एक्ट में 2005 में ये सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट लेके आया था। ओके, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द दोहा राउंड डिस्कशन। He played what? He played a crucial role in the Doha round discussion on trips and public health. उसने बोला था कि जो बहुत सारी चीजें हैं, डेवलप कंट्री हैड द टाइम टू थिंक इट ओवर, डेवलप कंट्रीज के सिस्टम प्लेस में है, डेवलपिंग कंट्री अभी भी सिस्टम डाल रही है प्लेस में। ओके, अब बात करते हैं ट्रिम्स के बारे में। तो ट्रिम्स वॉज देयर इन 2020 प्रिलिम्स, इट वॉज अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ द WTO अग्रीमेंट इन 1994। इट एम्स टू एलिमिनेट मेजर्स यूज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्टॉर्टिव। और ये क्या करता है, इट प्रोहिबिट्स मेजर्स दैट वायलेट नेशनल ट्रीटमेंट एंड द जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। मतलब इतना ही सामान बाहर से आएगा, कोटा सिस्टम बेसिकली, इम्पोर्ट कोटा सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोहिबिटेड एक्शंस अंडर ट्रिम क्या क्या है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या है, सरकार बोल सकती है कि आप अगर मोबाइल फोन बना रहे हैं उसमें 70% सामान इंडिया का होना चाहिए, 70% सामान, तो ये अलाउड है, ट्रिम्स के अंदर अलाउड नहीं है। इंडिया प्रमोट कर सकती है, बोल सकती है प्लीज आप 70% रखिए, अच्छा लगेगा हमें आप, या 70% रखिए हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे प्लीज, ये नहीं बोल सकती, रखना पड़ेगा। इट कैन नॉट कम आउट ऑफ एन ऑर्डर सेइंग रखना पड़ेगा।
नहीं तो अगर मान लो कि इंडिया कर सकती तो क्या बोलती एप्पल को कि पहले इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाओ, बोलती नहीं एप्पल को। अभी तो एप्पल बना ही नहीं रहा है, एप्पल क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है, बहुत दिनों के बाद असेंबल कर रहा है। आफ्टर सेलिंग इट्स आईफोन एट डबल द प्राइस दैट यू कैन गेट इन अमेरिका और दुबई, इट इज नाउ ओनली यू नो असेंबलिंग, और थोड़ा बहुत बनाना स्टार्ट किया है। क्यों किया है? बिकॉज हमारी पॉलिसी में चेंजेस आया है। क्या आया है? हमारी पॉलिसीज में चेंजेस आया है इसीलिए, ठीक है। और मेंबर्स मस्ट इंश्योर कि उनका जो लॉज, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है वो क्या है, ट्रिम कंप्लायंट है। डेवलपिंग कंट्रीज हैड अ ट्रांजिशन पीरियड सो दैट दे कैन फेज आउट द एग्जिस्टिंग नॉन कंप्लायंट ट्रिम्स। ओके, यहां पर हमारा एक लॉ है, अगर आपको याद होगा 1950s में आया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या वो वैलिड होगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ, दो चीज है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ पॉलिसी एंड एज अ लॉ। इसमें से क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, मैं समझाता हूं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो बाहर से सामान आ रहा है वो इंडिया में बनाया जाएगा, बाहर से सामान आ रहा है वो इंडिया में बनाया जाएगा, आप उसको एज अ पॉलिसी प्रोत्साहन कर सकते हो। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? यू कैन प्रोमोट इट बट यू कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी अंडर अ स्टैट्यूटरी लॉ। इज इट क्लियर? ओके, यस, ओके। इश्यूज एंड चैलेंजेस, सो इट कंसर्न्स अबाउट सॉवरेंटी एंड अबिलिटी ऑफ नेशंस टू परस्यू देयर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है कि सॉवरेन सॉवरेन जो राइट है टू मेक पॉलिसीज उस पर इन्फ्रेंच कर सकता है। इंडिया हैज रिफॉर्म्ड इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज टू बी ट्रिम्स कंप्लायंट, इनहेंसिंग इट्स अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ पर ट्रिम्स में ना एक प्रॉब्लम आई थी दैट मेनी कंट्री वेयर सेइंग कि हमारा जो PLI है, प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट्स इंसेंटिव स्कीम, दैट इज एक्चुअली डिस्टॉर्टिंग टू द ट्रिम्स मॉडल। इंडिया ने बोला ऐसा नहीं है जी, हम जो है क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, आपको तो दे नहीं रहे, ठीक है, सस्ता इंडिया में बना रहे हैं, और ये जो है बहुत स्ट्रिंजेंट जो है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है। फिर जाते हर साल हम पे जो है केस करते हैं, फिर हम जाते हैं वहां पर अपने आप को जो है समझाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, देखो ठीक है, हमारे लॉयर्स जाते हैं, IAS ऑफिसर्स जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो आप एम्बेसडर बन सकते हैं। किसके एम्बेसडर बन सकते हैं? यू कैन बिकम, जनरली जो है इट्स अ बाय अ कन्वेंशन, बाय अ कन्वेंशन जो है एम्बेसडर आप बनते हैं। इंडिया के एम्बेसडर टू व्हाट, कहाँ के एम्बेसडर बनते हैं, कोई बता सकता है? WTO का, WTO का एम्बेसडर जनरली होता है हु इज ए सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनके सेक्रेटरीज को जनरली जो है या ज्वाइंट सेक्रेटरीज को प्रमोट करके भेजा जाता है वहां पर, क्योंकि उनको पता होता है इंडिया में कैसे लॉ वर्क करता है। यूएन का हमेशा IFS ऑफिसर रहता है, यूएन का सीनियर IFS ऑफिसर रहता है। आई थिंक अभी रुचिरा खम्बोज है, शी इज वॉज एक्स एम्बेसडर टू भूटान, इंडिया से एम्बेसडर टू भूटान थी पहले। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया WTO? आई होप WTO वाला क्लियर है। तो NDB जो है किससे हुआ था? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से बना था। प्लीज रिमेम्बर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्टालेजा कहां पर है? ब्राजील में एक जगह है। तो ये ब्रिक्स कंट्री जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो उन्होंने साथ मिलके बनाया था इसको। एन इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अलाइनमेंट। इनिशियल कैपिटल क्या है इसका? 50 बिलियन था, विच वॉज इक्वली शेयर्ड बाई द 5 मेंबर नेशन। पांचों मेंबर ने 10-10-10 बिलियन जो है दिया था। ओके, और दिस कैपिटल इज प्राइमरली एलोकेटेड फॉर फंडिंग इंफ्रा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन द ब्रिक्स कंट्री। पहले मतलब ब्रिक्स का पैसा इंडिया और ब्राजील और रशिया और चाइना और साउथ अफ्रीका ही यूज कर सकता था, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता गया, बैंक जो है अब लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को भी सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पर इसका ऑफिस है? NDB का सेक्रेटेरिएट कहाँ बनाया है इन्होंने? चाइना में बनाया है। कौन से जगह पे बनाया है? शांघाई में बनाया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो हमने क्या किया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया से दिया था। तो ओके,
नहीं, पेड अप कैपिटल होता है, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। मान लिया कि आपका इतना रिक्वायरमेंट है तो दे दिया जाता है। ओके, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। ओके, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट इन द सेंस कि 10 बिलियन जो है, अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इफ यू कैन एक्सेस दैट मनी, है ना, तो फिर आप ही का पैसा है अल्टीमेटली। वो क्या है, आप ही का पैसा है ना। और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इट हैपेंड अंडर द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ओनली। तो 100 बिलियन सीआरए जो है वो अडिशनली क्रिएट किया गया था ताकि अडिशनल लिक्विडिटी हो सके और प्रोटेक्शन हो सके मेंबर नेशंस को ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो सीआरए जो है वो 41% चाइना ने दिया था, 18% ब्राजील, इंडिया, रशिया ने दिया था, और 5% साउथ अफ्रीका ने दिया था। तो ऐसा होता है ना, कभी कभार आप फ्रेंड्स के साथ खाने जाते हो, तो 41% चाइना, उसकी पैकेज लगी है अमेजोन में, और ब्राजील, इंडिया, रशिया जो है अभी टीसीएस में काम कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बढ़ता है ना बिल जब खाना खाने जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। उसी तरीके से आपको याद रहेगा कि सीआरए जो है, सीआरए जो है वो क्या करेगा, चाइना जो है 41% सबसे ज्यादा इसने दिया है, लेकिन पेड अप कैपिटल जो है, इनिशियल कैपिटल सबने इक्वली दिया। ओके, सबने जो है इक्वली दिया, और फिर चाइना, ब्राजील, इंडिया, रशिया मिलके साउथ अफ्रीका को बोल रहे अगले साल तू आईएएस बन जाएगा ना, तब दे दियो पार्टी, अभी तो चल तू खा ले हमारी तरफ से, है ना। तो ये याद रखिएगा, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सुबह हमने एडीबी के बारे में भी पढ़ा था, एडीबी के बारे में भी पढ़ा था। तो एडीबी में हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट एडीबी, तो एडीबी में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? ऑर्डिनरी करेंसी रिसोर्सेस, व्हाट वाज दैट, ऑर्डिनरी करेंसी रिसोर्सेस की ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस, ओसीआर था, ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस, नॉट करेंसी, कैपिटल। ओके, लेकिन देखिए इतना काफी, अगर ऑर्डिनरी करेंसी ये सब भी याद है ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चन। वहां पर तुमको वाइवा थोड़ी ले रहा है कोई, है ना, वहां पर आपका कोई वाइवा थोड़ी ले रहा है, वहां तो आपको चार ऑप्शन में से देखना है। इतना टेंशन मत लेना भाई, कोई लिटरली पीपल आस्क, मेरे को याद नहीं हो रहा है, क्लास 10th में थोड़ी है आप यार, थोड़ा तो मेच्योरिटी दिखाओ यार। आगे पीछे का अगर याद है तो आप तुरंत आप उसको सही कर सकते हो, रिवाइज कर लो, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन ये याद करना, रट्टा मारने, 10th 10th का बोर्ड थोड़ी है कि रट्टा मार के लिख दोगे तो नंबर आ जाएगा। अच्छा, एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑलराइट। एनीवेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरए, इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग करेंसी स्वॉप्स इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। करेंसी स्वाप सबको पता है, मैंने करेंसी स्वाप, आई थिंक उसका अलग से मैंने क्लास भी लिया था, अगर आपको याद होगा। करेंसी स्वाप में बता देता हूं फिर से एक बार, ध्यान से सुनना। मान लो कि इंडिया है और श्रीलंका है, ओके, और श्रीलंका को जो है प्रॉब्लम आई, श्रीलंका को क्या हुआ, श्रीलंका को प्रॉब्लम आई, तो यहां पर क्या होना है, ध्यान से देखना। इंडिया जो है वो रुपी भेजेगा और श्रीलंका जो है वो इंडिया तरफ क्या भेजेगा, SLR, दैट इज श्रीलंकन रुपी भेजेगा, और दोनों का जो है वैल्यू सेम होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। मतलब अगर 5 बिलियन डॉलर का, 5 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वाप होगा, तो इंडिया जो है 5 बिलियन वर्थ ऑफ रुपी भेजेगी श्रीलंका की तरफ, और श्रीलंका जो है 5 बिलियन वर्थ ऑफ श्रीलंकन रुपी भेजेगी इंडिया की तरफ। Why? Because श्रीलंकन रुपी जो है वो डामाडोल है, इसका मतलब क्या है, श्रीलंकन रुपी इज लूजिंग वैल्यू ईच डे, तो श्रीलंकन रुपी जो है अपने सिस्टम से निकाल के इंडिया को देगी और एक स्टेबल करेंसी अपने सिस्टम में लगाएगी, दैट इज इंडियन रुपी। नाउ बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड श्रीलंका, आर गोइंग टू कीप दैट मनी विथ ईच अदर फॉर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। इंडिया को तो वैसे श्रीलंकन रुपी की जरूरत थी नहीं, इंडिया डिड इट एज ए कर्टसी मेजर, एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर कि श्रीलंका हमारा पार्टनर है और उसमें जो है वो क्राइसिस में है, तो हम क्या करेंगे, एक वीक करेंसी अपने पास ले लेंगे और हम एक उसको स्ट्रॉन्ग करेंसी जो कि इंडियन रुपी है वो देंगे। दूसरी चीज क्या है कि
कि क्या इस पे इंटरेस्ट मिलेगा इंडिया को, इंडियन रुपी इंडिया ने श्रीलंका के पास रखा है, तो इंडिया श्रीलंका इज बाउंड टू गिव इंडिया, यस दोनों इंटरेस्ट देंगे एक दूसरे को, श्रीलंका इज गिव गोइंग टू गिव इंटरेस्ट टू इंडिया एंड इंडिया इज गोइंग टू गिव इंटरेस्ट टू श्रीलंका, विल दैट बी द सेम परसेंटेज, विल दैट बी द सेम परसेंटेज, दैट इज आई एम आस्किंग, नो, कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगा, कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगा, श्रीलंका देगी इंडिया को, क्योंकि श्रीलंका जो है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी अपने पास रख रही है, और इंडिया कम देगा, वाई, बिकॉज जो करेंसी इंडिया अपने पास रख रही है उसका तो ऐसे भी वैल्यू खत्म हो रहा है डे बाय डे, है कि नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड द करेंसी स्वॉप एंड वाई इट हैपेंस, ताकि सामने वाली कंट्री को प्रॉब्लम से हम बचा सके, उसके करेंसी स्लाइड से बचा सके, जब श्रीलंका ने अपने सिस्टम से इतना सारा श्रीलंकन मनी निकाल के और उसके जगह एक स्ट्रॉन्ग करेंसी रख लिया, तो क्या स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा श्रीलंकन रुपी? इसने क्या किया, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट कर दिया श्रीलंकन रुपीस का, बिकॉज समबडी हु वॉज योर फ्रेंड अग्रीड टू टेक इन दिस वर्थलेस करेंसी, आई एम नॉट सेइंग श्रीलंकन करेंसी इज वर्थलेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट उस समय ये करेंसी वर्थलेस है, भाई तुम्हारा जब करेंसी 250 रुपए से, $1 इक्वल्स टू 250 रुपए था, और रात भर में 312 पे पहुंच गया, और उसके बाद 352 पे पहुंच गया 3 घंटे के अंदर, तो क्या ये वर्थलेस नहीं है? इंडिया ने उपकार किया कि नहीं किया? वही सेम उपकार हम पे जापान ने किया था जब हम प्रॉब्लम में फंस गए थे 2011 से 13 के बीच, याद है फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल 5 है ना, तो उस समय जापान ने हम पे ये उपकार किया था कि हमारे से पैसा ले लिया था इंडियन रुपी, उस समय इंडियन रुपी वर्थलेस थी और हमें जापानीज येन दे दिया था, और उस पे जो है हमने जापान को कुछ इंटरेस्ट पे किया, जापान ने हमें कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट पे किया। जो कंट्री उपकार करती है, जो कंट्री आप पे फेवर करती है आपका वर्थलेस करेंसी लेके, वो कम आपको देगी ना इंटरेस्ट रेट की, वो भी ज्यादा देगी, एक तो उपकार किया तुम्हारा पैसा रख के, उसके ऊपर से तुमको इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा देगी, आपको देना पड़ेगा, ओके, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है वो हाथी का क्या हुआ था, जापान में जो हमने हाथी भेजा था, जापान में जो हमने हाथी भेजा था तो उसको उन्होंने भूखा मार दिया था, तो इंडिया से जो हाथी गया था वो बेचारा, इट ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज, वो ट्रेन था खाना मांगने के लिए, तो जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वो जैसे जो लोग आते थे ना उसके आसपास, कोई बच्चे आ गए तो उनको डांस करके दिखाता था कि कुछ खाना मिले, लेटर ऑन इट डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड इट विल ड्राइव यू टू टीयर्स व्हाट हैपेंड टू दैट एलिफेंट, वो मतलब वो दिखाता है कि डांस करके दिखा रहा था लोगों को, एंड ही यूज टू गेट एक्साइटेड वेन एवर एनीबडी यूज टू कम, एंड देन ही यूज टू डांस, अपने डांस करके दिखाता था कि कुछ खाना मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया, खाना ही बंद कर दिया था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी जापान में खाने पीने की, तो इन्होंने क्या बोला कि इसको भूखा मार देते हैं ना, तो दैट इज हाउ देखने में कैसा लगेगा, आप समझ लो, ओके। एनीवेज, क्या आपको करेंसी स्वाप अग्रीमेंट समझ में आ गया, CRA समझ में आ गया, कंटिंजेंट रिजर्व, क्या आपको कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट समझ में आ गया, ओके, वाई इट एग्जिस्ट, ताकि करेंसी स्वाप हो सके सही टाइम, ओके। NDB का क्या सिस्टम है, वन नेशन वन वोट सिस्टम, जो कंट्रास्ट में है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जितना आपका कोटा होता है, जितना आपका सब्सक्रिप्शन होता है, उस बेसिस पे आप जो है अपना कर सकते हो, वेयर एज यहां पर क्या है NDB में, वन नेशन वन वोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन वोट सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो ये जो है इसको 2014 में चाइना ने 21 एशियन नेशंस के साथ फॉर्म किया था, और ये जो है AIIB, ये चाइना का आंसर है ADB को, जैसे ADB जापान ने लॉन्च किया था वैसे चाइना का आंसर है AIIB को, सॉरी चाइना का आंसर है जापान को बाय लॉन्चिंग द AIIB, ओके। इट इज फंक्शन डिजाइन टू फंक्शन
मोर एज अ कमर्शियल बैंक विथ नेशंस एट शेयर होल्डर्स, और इसका बेस कैपिटल क्या था, 1 बिलियन डॉलर का था, और इसको इंक्रीज करना था इनको 100 बिलियन में, ठीक है। और इसका ऑफिस कहां पर है, कोई बता सकता है? AIIB का ऑफिस कहां पर है? बीजिंग में, बीजिंग में या बीजिंग में, याद रखिए। इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द 21 फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो 21 फाउंडिंग मेंबर था, और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना के बाद, 8.679% शेयर्स एंड 7.614% वोटिंग राइट्स। और इंडिया जो है लार्जेस्ट बोरोवर भी है, इट हैज बोरोड 5.1 बिलियन। तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, कि चाइना का पैसा खींच लिया पूरा, ये लो चाइना, ठीक है तुम पैसा दे रहे हो, लेट मी टेक इट। तो ये याद रखिएगा, इंडिया जो है लार्जेस्ट बोरोवर है और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका IMS बड़ा चैप्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज ओवर माय फ्रेंड्स। एनी डाउट्स दैट यू माइट हैव, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, उसको जरूर बनाना एक, ठीक है। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, उसको आप जरूर बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग कल आगे बात करते हैं, ठीक है।